हेलो एवरीवन, मु साहिल राउतराय, मु वॉरियर्स ट्रेडर मैथ आउ साइंस एजुकेटर। मु आज आपण मानक मैथ रो गोटे वेरी कॉमन टॉपिक जोटा हूँ ट्रिगोनोमेट्री ता उपरे किसी बेसिक नॉलेज दे। ट्रिगोनोमेट्री गोटे एमती टॉपिक जोटा बोथ मैथ रे दरकार आउ तुम्हें जब फिजिक्स वगैरह भी पढ़ु साइंस रे से भी दरकार, तेणु यहाँ बहुत गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ रो। तेणु आम चल जानवा ट्रिगोनोमेट्री किसी बेसिक जिनस। ट्रिगोनोमेट्री रे जीवा पूर्व आम गोटे जिनस जानवा कि राइट आंगेल ट्रायंगल रे कौन कौन था। राइट आंगेल ट्रायंगल रे तीन टा जिनस था, परपेंडिकुलर, बेस आउ हाइपोटेन्यूज। आम जब राइट आंगेल ट्रायंगल रे बेस आंगेल टाकु थीटा बोली डिनोट करूचे, आम टाकु थीटा बोली डिनोट करिबा एटी, तो ए एटा को आम कहिबा हाइपोटेन्यूज, बेस लाइन टाकु आमे कहिबा बेस, आउ ए वर्टिकल लाइन टाकु आमे कहिबा परपेंडिकुलर। तेणु तीनटा जिनस हाइपोटेन्यूज, बेस आउ परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस को लेकिन गोटे फेमस थ्योरम अच्छी, ताना हला पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन कहुची कि पाइथागोरस थ्योरम कहुची आमको हाइपोटेन्यूज रो स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज रो स्क्वायर जोटा कि हाइपोटेन्यूज को हम एच बोली डिनोट करू कि परपेंडिकुलर को पी बोली डिनोट करू और बेस को बी बोली डिनोट करू। हाइपोटेन्यूज रो स्क्वायर इज इक्वल टू पी रो स्क्वायर माने परपेंडिकुलर रो स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तेणु हाइपोटेन्यूज रो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर रो स्क्वायर प्लस बेस रो स्क्वायर। ए थ्योरम रु आमे जदि कोनोसी दीटा जिंस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस भितरु कोनोसी तीनटा जिंस रु कोनोसी दीटा जिंस रा वैल्यू आमे जणा आछि, आमे तृतीय जिनस वैल्यू पाई परबा। माने आमको जदि परपेंडिकुलर वैल्यू जणा आछि आ बेस रो वैल्यू जणा आछि, आमे हाइपोटेन्यूज रो वैल्यू कैलकुलेट करि परबा। हाइपोटेन्यूज रो जणा आछि, परपेंडिकुलर जणा आछि, बेस रो वैल्यू कैलकुलेट करि परबा। हाइपोटेन्यूज जणा आछि, बेस जणा आछि, परपेंडिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करि परबा। कोनोसी दिनटा दीटा जणा आछि, तृतीय रो वैल्यू आमे कैलकुलेट करि परबा। ए पाइथागोरस थ्योरम वर्तमान ए हाइपोटेन्यूज बेस आ परपेंडिकुलर को नै कि ओटे ये जो ट्रिगोनोमेट्री रा जेते के फंक्शंस रहिला, जो छोटा फंक्शन रहिला से छोटा फंक्शन कौन कौन ना गोटे है साइन फंक्शन, द्वितीय है कोसाइन फंक्शन, तृतीय टैंजेंट फंक्शन, चतुर्थ को टैंजेंट फंक्शन, पंचमटा सेक फंक्शन आउ षष्ठटा है कोसेक फंक्शन। द फर्स्ट इज साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टैंजेंट फंक्शन, कोटैंजेंट फंक्शन एंड sec function, cosec function। साइन फंक्शन रे साइन थीटा, थीटा हूँ बेस आंगेल, ए राइट आंगेल ट्रायंगल रे थीटा हूँ बेस आंगेल, ए देखी पड़ थो साइन थीटा रा वैल्यू हला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। गोटे राइट आंगेल ट्रायंगल रे साइन थीटा रा वैल्यू हबो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा हे जीवो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा हे जीवो परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा हे जीवो बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हे जीवो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, आउ कोसेक थीटा हे जीवो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तेणु आमको जदि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आउ बेस जणा अछि, आमे ए बेस एंगल रो कोनोसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रो वैल्यू आमे कैलकुलेट करि परबा। वर्तमान ए जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गुडा रहिला से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गुडा को निज भीतर इंटर रिलेटेड केमती रिलेटेड सेटा आमे जानिबा। वर्तमान वर्तमान आमे जानिबा साइन थीटा आ कोसेक थीटा भीतर रिलेशन कोन अछि। साइन थीटा होची कोसेक थीटा रो इनवर्स, इनवर्स माने उल्टा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, सिमिलरली कोसेक थीटा हे जीवो साइन थीटा रो उल्टा, साइन थीटा टा कोसेक थीटा रो उल्टा, कोसेक थीटा टा साइन थीटा रो उल्टा। कोस थीटा ओ सेक थीटा भीतर रिलेशन भी सही बढ़िया, कोस थीटा होची सेक थीटा रो उल्टा आ कोस सेक थीटा होची कोस थीटा रो उल्टा माने इनवर्स। इनवर्स ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। वर्तमान टैन आउ कॉट भीतर भी रिलेशन सही भैया, टैन इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा आउ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। टैन थीटा आउ कॉट थीटा दीटा को इनवर्स ऑफ वन अनदर।
चतुर्थ रिलेशन कौन अच्छी चतुर्थ रिलेशन डाइटा टैन आउ कॉट टा केमती साइन आउ कॉस सह रिलेटेड केमती रिलेटेड ना टैन थीटा टा होची साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा तो टैन थीटा का वैल्यू हो गला साइन थीटा बाय कॉस थीटा किंतु हमें जानी छे कोन टैन थीटा आउ कॉट थीटा टा दिजे उल्टा इनवर्स ऑफ वन अनदर तेनु टैन थीटा का वैल्यू जदी हो गला साइन थीटा बाय कॉस थीटा कॉट थीटा का वैल्यू कोन हो जइबो कॉस थीटा बाय साइन थीटा टैन थीटा रे इनवर्स ए जो रिलेशन रहला आई रिलेशन भितरु आमे यूज करिकी आमे ए सब रिलेशन के यूज करी किंबा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करिके आमे डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करबा वर्तमान गोटे बेसिक क्वेश्चन अछि ट्रिगोनोमेट्री रो जोटा कि आमे पाइथागोरस थ्योरम आ साइन थीटा रो वैल्यू को लेके आमे गोटे क्वेश्चन आमे वर्तमान करबा क्वेश्चन डा कोन कहउची ना क्वेश्चन कहउची यदि साइन थीटा रो वैल्यू 8/17 हैला then find the value of tan theta cos theta cot theta sec theta how cos theta jodi gote trigonometric function ra value si amaku deichi tale different de baki 5 ta trigonometric function raila taro value ame kemdi kaadi pariba bartan ame gote right angle triangle draw kale but amaku kon jana achi ki sin theta ra value hela perpendicular by height sin theta ra value hela perpendicular by height परपेंडिकुलर रा एट किंतु हमको क्वेश्चन दे दे छि 8/17 8/17 होउछि sin थीटा रा वैल्यू हमको जणा छि किंतु sin थीटा होउछि परपेंडिकुलर बाय हाइट यदि 8/17 sin थीटा वैल्यू हैला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा वैल्यू हैला दिटा को समान हिजबे ना तो 8/17 इज इक्वल टू p / h यदि 8/17 इज इक्वल टू p / h देन 8 इज इक्वल टू p एंड 17 is equal to h माने perpendicular value हला 8 आउ hypotenuse value हला 17 Pythagoras theorem अनुसारे आमे जो तीनटा formula calculate करते ले से तीनटा formula भीतरु एडी ऊपर हम लिखी छि ना एटी बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर मु कोन कहितली कि जदी दीटा रे वैल्यू कोनसी दीटा रे वैल्यू जणा आछि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस भीतर हम तृतीय रे वैल्यू कैलकुलेट कर परबे वर्तमान हम जणा आछि कार ना हाइपोटेन्यूज रे वैल्यू जणा आछि परपेंडिकुलर रे वैल्यू जणा आछि हमको कैलकुलेट करिया पडिबो बेस रे वैल्यू तो बेस रे वैल्यू पई कि जो फार्मूला टाला सेटा हला एटा ए फार्मूला टाको वर्तमान हमें तळे युला से फार्मूला टा कोन ना बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज रो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट वर्तमान हाइपोटेन्यूज रो वैल्यू हैला केते 17 आउ परपेंडिकुलर रो वैल्यू हैला 17 8 तो हाइपोटेन्यूज रो स्क्वायर माने 17 रो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर रो स्क्वायर माने 8 रो स्क्वायर रो होल अंडर रूट वर्तमान 17 रो स्क्वायर हैला 289 आउ 8 रो स्क्वायर हैला 64 तार अंडर रूट करिया 289 माइनस 64 केते वैल्यू हमको मिलु छी 225 तो 225 रो स्क्वायर रूट करले हमको मिल गला 15 तो बेस रो वैल्यू हमको मिल गला बेस इज इक्वल टू 15 नाउ बेस मिल गला परपेंडिकुलर मिल गला हाइपोटेन्यूज मिल गला हमें वर्तमान हमें जानि छे बेस परपेंडिकुलर हाइट हम जदि जणा आछि कोनेसी ट्रायंगल रो तार तार सब जाक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू हमें काढ़ी पारा तो ये सब ऊपर जो फॉर्मूला सब अच्छी मुझे लिखी थी ना साइन थीटा वैल्यू केते हबो कॉस थीटा वैल्यू केते हबो टैन थीटा वैल्यू केते हबो जदि परपेंडिकुलर हाइट और बेस सब जाना अच्छे तो ये फॉर्मूला सब यूज करके आम वर्तमान बाकी जो फंक्शन गुड़ाक रहा तार वैल्यू काढ़ वर्तमान जो आम को साइन थीटा वैल्यू जाना अच्छी 8/17 cos थीटा वैल्यू रो हैला बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस हैला वैल्यू 15 आमे काढीचे हाइपोटेन्यूज हैला 17 cot थीटा रे सेम दि वैल्यू केते बेस बाय परपेंडिकुलर बेस पई बेस मिलची 15 परपेंडिकुलर वैल्यू होची 8 तो बेस बाय परपेंडिकुलर हैला 15/8 tan थीटा रे वैल्यू पे आमे p / b p मींस परपेंडिकुलर और b होची बेस तो परपेंडिकुलर बाय बेस कर देले हमको tan थीटा रे वैल्यू मिलला तो 8/15 तो tan थीटा वैल्यू हो गला 8/15 sec थीटा वैल्यू पई कि हमें कौन करबा 17/15 काहे कि ना हाइपोटेन्यूज रो वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस रो वैल्यू हाइपोटेन्यूज वैल्यू हला 17 बेस रो वैल्यू हला 15 cosec थीटा पई कौन करबा हाइपोटेन्यूज रो वैल्यू डिवाइडेड बाय p रो वैल्यू p मींस परपेंडिकुलर
hypotenuse by perpendicular 17 होची hypotenuse base perpendicular होची 8 तब cosec theta value हैला 17 सिमिल ए बढ़िया हमें कौन करीबा ना जब गोटे भी trigonometric function का value हमको जाना आज हमें सबू trigonometric function का value बाकी जेते रहेला ताको हमें determine करी परीबा मु भाबुची तुमनको मु भलो भाबरे क्वेश्चन आंसर बुझे परथि किछिटा बेसिक जिंस मु बतान तुमनको trigonometric विषय कहली यदि तुम्हें माने बाकी बहुत जिनस अच्छी ट्रिगोनोमेट्री विषय जानिया पई बहुत क्वेश्चंस भी अच्छी करिया पई जदि तुम से सब विषय जानिया पई चाहौछ ताले वॉरियर स्क्रीड रे ज्वाइन करो हमें डेली लाइव क्लासेस नबू आउ तुम मानको क्वेश्चंस भी करेबू ट्रिगोनोमेट्री विषय रे मैथ विषय रे आउ साइंस विषय रे हमें यदि हमें क्लासेस ने डेली हमें तुमको असाइनमेंट दबू क्वेश्चन करेबू आ तुमको तुम एग्जाम पई बेस्ट वे रे प्रिपेयर करेबू Thank you, everyone.